शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तू अब मुझसे वादा कर, वादा करके तू हम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाए अच्छी बनी है। हमें तो अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराते हैं। आप जानते हैं आप मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं? हाँ, बिल्कुल इसी तरह। महका महका है तन मन, छनके है पायल छन छन, मधुरस जीवन में घुल गया है हो, पलकों में सपने जागे, चाहत के बंध गए धागे, खुशियों से दामन भर गया है। महलों की रानी को मिला एक राजा है, जाने क्या भेद छिपा है सितारों में। आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए ना। आपकी और राज की शादी लव मैरिज थी? एक तो हमें इतना अजीब लगता है जब आप हमें आप कह के बुलाते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको हमारी और आपकी शादी की कहानी सुनाते हैं। आपकी और हमारी शादी यूं समझे हमारी अच्छी किस्मत थी। आपने हमारे पापा की जान बचाई थी, लेकिन आप शादी के बाद हमसे नाराज रहने लग गए थे। आपके और हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमें खाना बनाना नहीं आता था, और आपको ऐसा बताया गया था कि रानी तो खाना बनाने में माहिर है, लेकिन एक बात बता दे, अब हम घर का सारा काम जानते हैं। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, आपके और हमारे प्यार की ताकत ने सारी गलतफहमियां दूर कर दी, और राम जी की कृपा से आप हमारे पास वापस लौट आए। आप जानते हैं हमने तो राम जी से कह दिया था कि राज के बिना रानी अधूरी है, और राम जी ने हमारी सुन ली। ये क्या, उस दिन जब चाय अच्छी नहीं बनी थी तो गुट 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 करके पी गए, और आज जब अच्छी बनी है तो ठंडी कर दी। नहीं, इट्स ओके। ओके कैसे? दीजिए, हम अभी लाते हैं। नहीं नहीं, दीजिए ना। आप जानते हैं हमने तो राम जी से कह दिया था राज के बिना रानी अधूरी है, रानी अधूरी है, और राम जी ने हमारी सुन ली। जी ने हमारी राज के बिना रानी अधूरी है, रानी राज के बिना रानी अधूरी है, रानी अधूरी है, जी ने हमारी सुन ली। राज, रानी, तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। माँ। हाँ बेटा। राज से बात की आने की? नहीं, राज से कुछ बात तो नहीं हुई, पर मैं सोच रही थी कि उसे वहीं उसी घर में रहना चाहिए। क्या हुआ माँ, अपने इस बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें क्यों करता है तू? ऐसी कोई बात नहीं मनोज,
बस मुझे तो खुशी इस बात की है कि जब दिल के फासले कम हो गए हैं तो फिर घरों की दूरियों से क्या होता है भला। और राज को तो तू जानता ही है ना, एक पैर इस घर में होता है तो एक पैर उस घर में। मैं सोच रही थी, तेरे पापा की हालत तो तू जानता ही है ना, उस पर से राज अगर यहाँ आकर रहेगा तो राज की दिमागी हालत इतनी नाजुक है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ बेटा कि राज यहाँ आकर हमारे घर में नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर दूर दूर रहकर घर की खुशियाँ और शांति बनी रहती है तो फिर ऐसा ही ठीक है बेटा। अरे हाँ, मम्मी जी तो एकदम ठीक कह रही है, पास रहकर दूर रहे इससे अच्छा तो। अब बुलाया मैंने सबको खाना खाने के लिए, वो अमित मधु सलोनी सब आ रहे, सब सब आ रहे, मैंने खुद बुलाया। रोज रोज मिला का होता है इसलिए बुला लिया। तुम औरतों का दिमाग है ना, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने तो तो टूटेंगे ना। क्यों टूटेंगे? तुम जो बटन्स लगाने के लिए मेरे। अच्छा जी, तो आपने हमसे शादी की है ताकि हम जिंदगी भर आपके बटन्स ही लगाते रहे। हाँ रानी, एक बात कहूँ? I love you। क्या हुआ? बटन टूटा हुआ है, हम लगा देते हैं। नहीं, मैं दूसरा शर्ट पहन लूंगा। हम लगा देते हैं ना, अब तो हमें बटन लगाना आता है। नहीं, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हमें पहले सीना नहीं आता था लेकिन अब तो हम माहिर हैं। प्लीज, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। ठीक है, हम आपके लिए दूसरी शर्ट ले आते हैं। नितिन बड़ी चोर नजर से देख रहा है।
राज भैया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी वजह से हमारी शादी जल्दी हो गई, वरना 6 महीने और इंतजार करना पड़ता। कट टू 6 महीने बाद। What do you mean कट्टू? कट्टू मतलब 6 महीने बाद यही राज होगा, यही नितिन होगा। हाँ। और नितिन कहेगा, यार राज, 1-2 साल और इंतजार ही कर लिया होता। पर राज भैया, मैं तो 6 महीने बाद भी आपसे यही कहूंगी जो मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ। थैंक्स भैया, थैंक्स अ लॉट। वैसे कुछ भी कहो, मेरे राज की वजह से पूरे घर में खुशियां फैल गई हैं। आप एक बात बताइए, राज को सब बहुत प्यार करते थे? सबसे पहले तो आप हमें आप कहना बंद कर दीजिए, वरना हम आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे। और दूसरी बात, जी राज से सब बहुत प्यार करते हैं और राज भी सबको बहुत प्यार करते हैं। और आप भी? हमारा नाम रानी है, आपकी रानी। आपके मुंह से रानी सुनोए, कितने दिन हो गए। अब अगर आपने हमें रानी नहीं कहा ना, तो हम आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। चलिए, अब हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। पूछिए। रानी, मैं तुम्हारे राज को जानना चाहता हूँ, उसे तुम्हारी नजरों से देखना चाहता हूँ, उसे पहचानना चाहता हूँ। यहीं पे आपके सपनों की तामीर हुई थी। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका प्लान भी आप ही ने बनाया था। आपको याद है, आपने कहा था इस बिल्डिंग में हम जैसे कितने राजदाने अपना छोटा छोटा घर बसाएंगे, और आपका पहला ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में होगा जिसे हम अपने हाथों से सजाएंगे। आपके केबिन में हम खूब सारे गुलाब के फूल रखेंगे, याद है आपको? ये तो आपके सपनों का पहला पड़ाव है। चलिए। राज,
आपको याद है वहाँ रोज सुबह सुबह बालकनी में पापा को रामायण सुनाया करते थे? अब आपको क्या लगता है? Any improvement? I feel कि अगर इनके एक्सरसाइज और मसाज दिन में 2-3 बार किया जाए तो अच्छा होगा। सिर्फ नफरत के काबिल हूं। नहीं नहीं, मैं इस सच का बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक सच जो आपसे कह नहीं पाया। मैं आपका बेटा राज नहीं बल्कि प्रिंस हूं, जिसकी गाड़ी से राज का एक्सीडेंट हुआ था।